स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जी के एंड टूडेज टॉपिक इज स्पोर्ट्स टर्म्स आपका स्वागत है एक और जी के क्लास में और आज का विषय है स्पोर्ट्स टर्म्स या खेल के संबंधित चीज़ें गिवेन बिलो आर सम स्पोर्ट्स टर्म्स रीड द टर्म्स गिवेन इन ईच ग्रुप नीचे दिए हुए कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे जो एक ग्रुप में दिए हुए हैं दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्पोर्ट ये सभी जो है किसी खास खेल से जुड़े हुए हैं राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट आपको उस खेल का नाम लिखना है जैसे फर्स्ट वन इज फोटो फिनिश ट्रैक हर्डल्स लेन ये जो है टर्म्स है हर्डल्स के ये दौड़ जो रेस होती है उसके लिए है सेकेंड कैनन बॉल्क लॉन्ग जेनी फ्रेम ये जो खेल है ये रिलेटेड है ये टर्म सारे रिलेटेड है बिलियर्ड्स वॉट इज बिलियर्ड्स इज ए काइंड ऑफ अ स्नूकर गेम आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ दिस हेयर इट इज दिस इज द गेम कॉल्ड बिलियर्ड्स कम टू द थर्ड ट्रिक्स सूट रबर ट्रम्प दिस इज कॉल्ड ब्रिज ब्रिज का मतलब होता है ताश खेलना ये उसी खेल के टर्म्स हैं फोर्थ स्प्रिंट Track race, time trial, point race. This is the term related to cycling. Fifth, course links, caddy niblick, and this term, these terms are related to golf. golf-related golf terms. The. Sixth, parallel bar, floor exercise, uneven bar, punch, and this is related to gymnastic. 7th, race, course, bets, jockey, punter, and this is related to horse racing. 8th, cocoa, blue belt, white belt, green belt, this is called, this is related to judo. Ninth, mallet, bunker, handicap, chakar. and this is related to polo. 10th, bag, बुल्जाई प्लग स्कीट एंड दिस दिस टर्म्स आर रिलेटेड टू शूटिंग नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज पॉट्री या मिट्टी के बर्तन आइए जानने इसके बारे में आर्ट ऑफ पॉट्री इज़ बींग प्रैक्टिस सिंस एंशंट टाइम्स ये मिट्टी के बर्तन हमारे जो है बहुत ही पुराने समय से बनाते चले आ रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट ये सब बहुत पुरानी कला है इट इज़ बोथ ऑफ़ एवरी डे यूज एंड डेकोरेटिव ये जो है हर दिन काम में आने वाली और सजावट के भी काम में आने वाली चीजों में से आती है फर्स्ट वन इज ए सर्किल द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस इस सेंटेंस में जो सही है शुरुआत में आखिर में दिए हुए कुछ ऑप्शन है और उसको सर्किल करना है फर्स्ट वन क्ले ऑब्लिक सैंड इज द बेसिक मटेरियल ऑफ ऑल काइंड ऑफ पोट्री मिट्टी के बर्तन के लिए जो जरूरत वाली चीज है जिससे बनते हैं मिट्टी के बर्तन वो या तो क्ले है या तो सैंड है आंसर इज क्ले सेकेंड पॉटरी इज मेड बाई हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन अ पिट और किल्न आंसर इज किल्न थर्ड एंशियंट सुमेरियन ऑब्लिक हरपन्स वर द फर्स्ट टू मेक पॉटरी आदि काल आदि समय में जो है सुमेरियन या हड़प्पन्स जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो आंसर इज सुमेरियंस फोर्थ चाइनीज पॉटरी आर ए हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन अंडर टैंग ऑब्लिक मिंग डायनेस्टी जो चाइनीज जो मिट्टी के बर्तन है वो जो है आ, मिंग डायनेस्टी, टैंग या मिंग डायनेस्टी के आधीन जो है वो उस दौरान परफेक्शन आया उनके बर्तनों में मिट्टी के तो आंसर इज मिंग फिफ्थ द थिन शाइनी लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ फायर सेरेमिक्स इज कॉल्ड अ ग्लेज ऑब्लिक ग्लो जो सेरेमिक बर्तनों में जो आप जो सर्फेस पे जो शाइनी या चिकनाहट दिखाई देती दिखा है चमक दिखाई देती है वो कहलाती कहला है ग्लेज या ग्लो ग्लेज कहलाती है सिक्स्थ पोर्सलिन इज अ काइंड ऑफ स्टोन वेयर पोर्सलिन एक तरीके का पत्थर का बर्तन होता है दैट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन चाइना जो असल में जो है चाइना में बनाया गया था पोर्सलिन इज मेड फ्राम काउलिन विच इज़ अ काइंड ऑफ क्ले और मेटल पोर्सलिन जो एक तरीके का पोर्सलिन जो है पोर्सलिन से काउलिन बनाया गया जो असल में क्ले है या मेटल है आंसर क्ले हीटेड एट हाई मिट्टी के बर्तन को उच्च तापमान पर रखा जाता है टू मेक हार्ड ताकि वो कड़ा हो जाए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फायरिंग और फिक्सिंग आंसर इज फायरिंग एर्थ राकू इज अ फॉर्म ऑफ जैपनीज पॉटरी राकू जो है ये जापानीज मिट्टी के बर्तन का एक फॉर्म है राकू पॉटरी इज ट्रेडिशनली यूज फॉर द जैपनीज टी ये जो मिट्टी का बर्तन है जैपनीज जो है ये चाय के रखने का काम में आता था या मैरिज सेरेमनी में आंसर चाय के रखने के काम में आता था सो दैट्स ऑल फॉर दिस

Mayolika and answer is E, Italy. Meissner, answer is A, Germany. Wedgwood, answer is C, England. So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.